नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। जैसा कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 313 कंपनी आर्मी सप्लाई कोर टाइप एफ केयर ऑफ 99 APO के द्वारा ये जारी किया गया है। और ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 25 जून से लेकर 1 जुलाई 2022 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसमें ये पब्लिश हो चुकी है। और अब आपने इस यदि आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का माध्यम होगा ऑफलाइन, ऑफलाइन एप्लीकेशन ही आप इन पदों के लिए सबमिट कर सकते हैं। देखते हैं आगे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने होंगे और कितनी वैकेंसी हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी है। वैकेंसी का विवरण भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फायरमैन की वैकेंसी है और ये लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 इसका जो इनिशियल पे स्केल रहेगा वो रहेगा। और जो टोटल वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी। 3 की 3 जो वैकेंसी है वो जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है। अन्य श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं, SC ST OBC के भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल श्रेणी के अगेंस्ट, बशर्ते कि उनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच की होगी। तो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट भी UR की जो ये पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी योग्यता है उसको एक बार देख लेते हैं। इन 3 वैकेंसी जो फायरमैन की हैं, इसमें 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। फायरमैन के लिए, फायरमैन के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो है 10वीं कक्षा, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो हाइट की बात करें 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो कंसेशन है, जो शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर का जो हाइट में है वो कंसेशन भी दिया जाएगा। चेस्ट की बात करें, बिना फुलाए आपकी चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए और फुलाकर आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपका 50 किलोग्राम होगा, तो आप फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा, फायरमैन का फिजिकल का जो टेस्ट होगा उसकी बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको 6 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा आपको फायरमैन को जो 63.5 किलोग्राम वेट उठाकर 183 मीटर 96 सेकंड में आपको ये कवर करना होगा। और 2.7 मीटर का आपको वाइड, मतलब के जिसे आप लॉन्ग जंप और हाई जंप कहते हैं, लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर का आपको देना होगा। और उसके अलावा आपको हाथ और पैर के द्वारा 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप होगा उसको क्लाइंब यानी कि चढ़ना होगा। इस प्रकार से आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा फायरमैन की ट्रेड के लिए। और बात कर लेते हैं कि फायरमैन के लिए एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। एज लिमिट की बात करें, जो कैंडिडेट जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनकी जो आयु की सीमा है वो 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जनरल की कैटेगरी के अगेंस्ट कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं, उनको एक बार आप नोट कर लें, जो कि पॉइंट बी के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। पॉइंट बी की बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ हैं जो कि आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, यदि एक्स सर्विसमैन अप्लाई करना चाहता है तो उसको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और यदि वो अभी सेवा में है, डिफेंस पर्सनल है, तो उसको प्रेजेंट में NOC लेकर अप्लाई कर सकता है। और एक सेल्फ एड्रेस कैंडिडेट अपना, सेल्फ एड्रेस जिसके ऊपर 25 रुपये की डाक टिकट लगाकर, वो ज़रूर लगाएगा। और जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट सेवा में है वो 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि भर्ती के लिए आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये एक एड्रेस जो आप देख रहे हैं, इस एड्रेस के ऊपर आपने अपना
एप्लीकेशन फार्म जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म वो भेजना होगा, या तो आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। दो ही माध्यम हैं, इनके द्वारा आप भेज सकते हैं। आगे फोटोग्राफ्स आपको एक पेस्ट करनी होगी और जो फ़ोटो आपने पेस्ट करके उसको सेल्फ अटेस्टेड भी ज़रूर करना है। इसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन का जो रिक्रूटमेंट का नोटिस नंबर है वो भी हमने इस एप्लीकेशन फार्म में आपको पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा और यही इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है। इस एप्लीकेशन फार्म को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट अप्लाइड फार्म में आपने फायरमैन लिखना है, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है। इसी एप्लीकेशन फार्म को आप अप्लाई करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं प्रिंट लेकर। पॉइंट नंबर दो के ऊपर कैंडिडेट ने अपना नाम लिखना है यहाँ, और ब्लॉक लेटर्स में लिखेगा, ब्लॉक लेटर्स का मतलब है कैपिटल लेटर्स में लिखेगा। पॉइंट नंबर तीन पर कैंडिडेट अपना पिताजी का नाम लिखेगा यहाँ इस डैश के अंदर, और पॉइंट नंबर चार के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रत्येक कॉलम में बॉक्स बना है, इस बॉक्स में एक एक डिजिट आपने लिखना होगा, जिसमें सपोज करो आपकी डेट है 7, ऐसे लिखना है 7/8/2001 है, तो या तो यहाँ 01 ऐसे करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपने डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आप वही लिखेंगे जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई है, नाम फादर नेम, और डेट ऑफ बर्थ आप वही लिखेंगे जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई है। इसके बाद बात करते हैं एड्रेस की। पॉइंट नंबर 5 पर एड्रेस में आपने कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में अपना हाउस का नंबर, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड लिखते हुए आपने ये दोनों कॉलम एड्रेस के कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण जो है वो आपने पॉइंट नंबर 7 के ऊपर देना है। इसमें आप सीरियल नंबर 1-2 डालकर ऐसे लिख सकते हैं। 10वीं 12वीं का आपने जो विवरण देना है वो आपने किस स्कूल या कॉलेज से पास की है, किस बोर्ड से पास की है और आपकी परसेंटेज क्या रहेगी, वो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 में आपने बताना है कि आप जनरल श्रेणी से संबंध रखते हैं तो जनरल के लिए यहाँ टिक कर देंगे, यदि एक्स सर्विसमैन के लिए हैं आप कैंडिडेट तो एक्स सर्विसमैन के ऊपर भी आप टिक कर देंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे, केवल और केवल यू आर के ऊपर आप टिक कर देंगे। और इसके बाद पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपने करना है जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है ये केवल उन्हीं के लिए है, अन्य कैंडिडेट यहाँ ऐसे नो लिख के अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर आपने विवरण देना है कि यदि आप पहले से कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन है तो यस के ऊपर टिक करके यहाँ आप यस लिख सकते हैं, और जिनका नहीं है वो यहाँ नो लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 की बात करें, यदि आप पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो और इस पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस लिखते हुए इन कॉलम में आपने नेम ऑफ द एम्प्लॉयर का भरना है, ऑफिस एड्रेस और नेम ऑफ द पोस्ट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इत्यादि आपको इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होगी, और NOC लगाकर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 के ऊपर एक डिक्लेरेशन है, इसको आप एक बार पढ़ लें, उसके नीचे डेट और प्लेस को आपने डालते हुए यहाँ आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके नीचे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, ये आपने कोई भी पॉइंट आपने नहीं भरने हैं, क्योंकि ये जहाँ आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजा जाएगा वहाँ के ऑफिस के द्वारा ही ये भरे जाएंगे, ये आपने खाली छोड़ने हैं। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती के लिए आपने जो एक एडमिट कार्ड का परफॉर्मा है, एडमिट कार्ड कम ये जो एक्नॉलेजमेंट कम कार्ड कम एडमिट कार्ड होगा आपका, कॉल लेटर होगा, इसके ऊपर भी आपने एक फ़ोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करनी है दिए गए बॉक्स के अंदर, और उसको भी आपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। एक कॉलम के ऊपर आपने अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कैंडिडेट ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आपने फादर का नाम लिखना है, और पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आपने अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना हाउस, स्ट्रीट या विलेज का नाम आप जरूर लिखें, पोस्ट ऑफिस का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील और पिन कोड आप लिखते हुए आपने इस कॉलम को जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का कॉलम है उसको आपने कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 6, 5, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपने खाली छोड़ देने हैं, ये आपने कुछ नहीं लिखना, ये आपने खाली कॉलम छोड़ने हैं। इस प्रकार से आपने इन सभी एप्लीकेशन फार्म को भरकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन फार्म की आपको आवश्यकता होगी, ये एप्लीकेशन फार्म आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको फिर एक बार बता दें, ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं इसी एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म
या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। केवल दो ही माध्यम हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।